बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोनिया गांधी को जवाब, चार पन्नों की चिट्ठी में सोनिया पर लगाया नकारात्मक प्रचार का आरोप। नड्डा ने कहा, पिछले साल मार्च से ही कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी कर चुके हैं तारीफ। नड्डा ने कहा, जब देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बना रहे थे तब कांग्रेस नेता इसका मजाक उड़ा रहे थे। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर भी नड्डा ने सोनिया गांधी को दिया जवाब, कहा यूपीए शासन के वक्त ही उठी थी नए संसद भवन की मांग। नड्डा ने देश के खराब स्वास्थ्य ढांचे के लिए कांग्रेस को घेरा, कहा 70 साल में जो स्वास्थ्य ढांचा बना वो पर्याप्त नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर लगाया वैक्सीन की कमी का आरोप, कहा बढ़ाना होगा वैक्सीन का उत्पादन। दिल्ली में कुछ दिनों की ही वैक्सीन बाकी बची, केजरीवाल ने कहा दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी। केजरीवाल बोले, वैक्सीन बनाने का काम सिर्फ दो कंपनियां न करें, अन्य कंपनियों को भी दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 2 बजे होगी सुनवाई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में आरोपी हैं नवनीत कालरा। सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कहा याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में दी है गलत जानकारी। हलफनामे में केंद्र ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रोजेक्ट साइट पर ही रहते हैं मजदूर, सराय कालेखा से रोजाना मजदूरों को लाने का दावा गलत। केंद्र ने कहा, दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू लगने से पहले ही 400 श्रमिकों ने शुरू कर दिया था काम, लेकिन याचिकाकर्ता ने जानबूझकर छिपाए तथ्य। दिल्ली हाईकोर्ट में टली सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की सुनवाई, अब कल होगी सुनवाई। वैक्सीनेशन अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, टीकाकरण के लिए स्टेडियम खोलने की मांग। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया, कहा सुप्रीम कोर्ट की है गाइडलाइंस। याचिका में की गई थी दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश जारी करने की मांग। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना के गांधी मैदान में थाने में लाया गया। अब ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, आपको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा, हटे आप लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकनान में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने दर्ज किया है मामला। 100 करोड़ की फिरौती वसूली केस में फंसे अनिल देशमुख, सीबीआई के एफआईआर के बाद ईडी ने दर्ज किया केस। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी, केस दर्ज होने के बाद शुरू हो सकती छापामारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अनिल देशमुख और अन्य आरोपियों को जल्द भेजा जाएगा समन, ईडी अधिकारी दर्ज करेंगे बयान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर लगाया था वसूली रैकेट का आरोप। परमवीर के मुताबिक देशमुख ने सचिन वाजे को दिया था हर महीने 100 करोड़ की वसूली का जिम्मा। कोरोना के कहर से दहला देश, तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहद दर्दनाक घटना, एक अस्पताल में 11 मरीजों ने दम तोड़ा। तिरुपति के रुया सरकारी अस्पताल में पसरा मातम, 11 मरीजों पर टूटा ऑक्सीजन की कमी का कहर, गई जान। रुया अस्पताल में 11 मौत पर टूटा परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस बुलाने की आई नौबत। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर लाशों का अंबार देखने से हड़कंप, करीब 40 से 45 शव मिलने का दावा। बक्सर जिला प्रशासन ने मामले से झाड़ा पल्ला, कहा यूपी से बहकर आई लाशें। देश में कोरोना के रोजाना के मरीजों में भारी गिरावट, कल सामने आए 3,29,942 मामले। कल कोरोना से नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा, 3,56,082 मरीज ठीक हुए।
पिछले 24 घंटे में 3,876 मरीजों की कोरोना से मौत, 2.5 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की संख्या। देश में भी अभी कोविड के 37 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। वैक्सीनेशन ने भी पकड़ी रफ्तार, अब तक करीब 17.5 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में एक दिन में 13,000 के नीचे पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 319 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, एक दिन में 37,236 नए मामले, 549 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े भी, एक दिन में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 21,331 नए मामले, एक दिन में 278 लोगों की जान गई। कर्नाटक में भी घटे कोरोना के मामले, कल सामने आए 39,305 केस, 596 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में भी घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 27,487 केस, 65 की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 29,000 के करीब नए मामले, चेन्नई में 7,000 से ज्यादा केस। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 160 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 117 ने गवाई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए केस, 168 लोगों की मौत। कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया लखनऊ का हज हाउस, हाईटेक सुविधाओं से लैस है अस्थायी अस्पताल। यूपी के गाजियाबाद में शराब की दुकान खुलते ही उमड़ी भीड़, 2 गज की दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। वाराणसी में भी शराब दुकान खुलने पर भीड़, यूपी में चल रहा है कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कर्फ्यू में लखनऊ में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान, 17 मई तक यूपी में है कोरोना कर्फ्यू। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना को देखते हुए 10,000 कैदियों को पैरोल पर किया जाएगा रिहा। बिहार के खगड़िया जिले में लॉकडाउन में लगा जाम, खरीदारी के लिए बाजार में उमड़े लोग। वीरान नजर आ रहे बेंगलुरु के बाजार, जारी है कर्नाटक की राजधानी में लॉकडाउन। श्रीनगर की सड़कों पर आज भी सन्नाटा, कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कश्मीर में है लॉकडाउन। लुधियाना से आए कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर, सब्जी लेने मंडी में उमड़ी भारी भीड़। ओडिशा के गंजम जिले में कोरोना लॉकडाउन का मजाक, निकाली गई कलश यात्रा। दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में टीकाकरण के लिए लंबी कतारें, 18+ का हो रहा वैक्सीनेशन। गाजियाबाद के टीकाकरण केंद्र पर दिखी अव्यवस्था, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लोगों की लंबी कतार, बिना रजिस्ट्रेशन के बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। ओडिशा की राजधानी में आज से 3 और केंद्रों पर टीकाकरण शुरू, 45+ के लोगों को सेकेंड डोज के लिए खोले गए हैं केंद्र। बंगाल के दुर्गापुर से कानपुर पहुंचे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में 40 टन ऑक्सीजन के टैंकर। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के सत्र का पहला दिन, नए विधायकों का आज शपथ ग्रहण। सबसे पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ली शपथ, कल होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। कोरोना से भारत की जंग में ट्विटर का महादान, 3 गैर सरकारी संगठनों को $15 मिलियन की मदद।
अमेरिका में 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन, फाइजर के टीके को मंजूरी। असम के तिनसुकिया जिले में ग्रेनेड ब्लास्ट, 12 साल के बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, युवक गिरफ्तार, एनएसी के तहत कार्रवाई। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 11 लोग गिरफ्तार, रेमडेसिविर के 16 इंजेक्शन बरामद। राजस्थान के जोधपुर में 120 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार, सिर्फ 7 दिन में हुआ तैयार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाट बंद कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान के सीकर में महिला तहसीलदार ने कोरोना से मृत महिला का अंतिम संस्कार किया, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया था। कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा ने किया कोविड वॉर रूम का निरीक्षण, अधिकारियों से लिया तैयारियों का ब्यौरा। बिहार के मुंगेर में सांसद की गुमशुदगी के लगे पोस्टर, एनजीपी नेता ने सांसद को ढूंढने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की कमी दूर करने के लिए सामने आए सांसद विद्युत वरुण महतो, जिला प्रशासन को सौंपे 8 एम्बुलेंस। लॉकडाउन से किसान परेशान, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर। गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर गांव गहमर में फैली सनसनी, गंगा में तैरती दिखी दर्जनों लाशें। गंगा में शवों की सूचना पर गाजीपुर के डीएम ने तफ्तीश के लिए भेजी टीम, लोगों का आरोप सरकार छिपा रही है कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीड़ को हटाने पुलिस के लिए बना मुसीबत, गांव वालों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में कोरोना पीड़ितों ने की खुदकुशी, छठवीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर ही तोड़ा दम। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नारायण सिंह दिमल ने वैक्सीनेशन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, 1 करोड़ के अनुदान के लिए कलेक्टर को भेजा पत्र। मध्यप्रदेश के शहडोल में कोरोना पीड़ित को ले जा रही एम्बुलेंस में लग गया, मरीज और ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूरत के एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग पर पाया गया जल्द काबू, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन, आइसोलेशन सेंटर में 200 बेड का इंतजाम। आगरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्मगुरुओं से किया संवाद, कोरोना संकट में मांगी मदद। बेंगलुरु में कोरोना से मरने वालों को लेकर बढ़ी चिंता, कदनहली शमशान में 25 चिताएं साथ जलाने का किया गया बंदोबस्त। अमेरिका की जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले अस्पताल बनाने का रखा प्रस्ताव, सीएम योगी ने साइट का लिया जायजा। यूपी में मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना सेवा के बदले वार्ड बॉय से कम पैसे, मिलेंगे रोज 300 रूपये। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षाओं पर भी लगी रोक। यूपी के गांवों में फैलते कोरोना पर मायावती ने जताई चिंता, कहा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा ना ऑक्सीजन है ना ही दवाएं। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त संघर्ष, 9 बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की गई जान। गाजा से हमास ने यरूशलेम की तरफ निशाना बनाकर दागे दर्जनों रॉकेट, इजराइल ने की जवाबी कार्रवाई। गाजा से जबालिया के अस्पताल में घायलों का तांता, इजराइल की कार्रवाई से गुस्से में फिलिस्तीनी। इस्तांबुल में इजरायली काउंसिलेट के बाहर हजारों लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली कार्रवाई का विरोध। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा संसद में साबित नहीं कर पाए विश्वास मत, फ्लोर टेस्ट में पार्टी के एक धड़े ने नहीं दिया साथ।
अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ईरानी नेवी की नौका की तरफ शताब्दी में किए 30 फायर। महीने के भीतर अमेरिकी सेना को दूसरी बार देनी पड़ी फायरिंग की चेतावनी। अंतरिक्ष से धरती की वापसी पर निकला नासा का स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रॉयड बेनु से नमूने लेकर आ रहा है स्पेसक्राफ्ट। आइस हॉकी के एक मैच में शामिल हुए व्लादिमीर पुतिन, मैच में रूसी राष्ट्रपति ने दागे 8 गोल। करीब साल भर बाद खोला गया व्हाइट हाउस के पास का ऐतिहासिक पार्क, कोरोना की वजह से था बंद।